चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में युवक पर चाकू से हमला। इस हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। जख्मी युवक की पहचान सेक्टर 25 के रहने वाले 19 वर्षीय मुकुल के रूप में हुई है। हमले की सूचना जैसे स्थानीय पार्षद पूनम के पति संदीप को मिली तो उन्होंने जख्मी युवक को अपनी पर्सनल गाड़ी में ले जाकर चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में दाखिल करवाया। वारदात दोपहर करीब 2:45 की है, जब मुकुल कॉलेज से पेपर देकर घर आ रहा था। इतने में दो अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। जिस हमले में 18 वर्षीय मुकुल उर्फ ऋषि गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमले की वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी और पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच में जुट गई। खबर लिखे जाने तक पीड़ित मुकुल की हालत गंभीर दिखी। सेक्टर 16 अस्पताल में से पीजीआई रेफर कर दिया गया है। देखिए चंडीगढ़ से अजीत जहां की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सर मामला तो कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं उसका। पेपर दे के भी रोटी खा के उतरा ही है और 5 मिनट में आवाज मारा, मम्मी मम्मी मुझे चाकू मार दे काकू ने। काकू रंकू नाम का कोई लड़का है पड़ोस में ही है वो भी। उनसे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, आगे पीछे कभी भी नहीं। बस इसके अलावा मैं नहीं जानती। तो आपका बेटा कहाँ से आ रहा था? मेरे बेटा रोटी खा के उतरा ही था अभी। क्या करता क्या पेपर? कॉलेज पढ़ता है। अच्छा, तो उसकी कोई रंजिश रंजिश भी है किसी से? पुरानी कोई रंजिश नहीं है। कभी कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, उनसे कभी कोई। तो जो लड़कों ने मारा है उनका कुछ आप जानते हैं उनको ये कौन है? हमारे दो घर छोड़ के रहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने किस चीज़ से हमला किया चाकू? मुझे नहीं मालूम किससे किया, मैंने ना देखा ना मुझे मालूम। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को दी है? हाँ जी। ठीक है, कितने युवक थे वो? दो बता रहा अपने मुँह से, तो मुझे दो ही बता रहा, बाकी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो अभी मौके पर 24 चौक की पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ जी आई है। अच्छा जी, ठीक है, शिकायत आपने दे दी है? हाँ जी। ठीक है जी। देखिए हम तो अपना घर पे ही बैठे थे तो एकदम से आवाज़ आई है कि मम्मी मुझे मार दे, मम्मी मुझे मार दे, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ में लगता घर है इनका, जो ऋषि नाम का जो लड़का है जिसके चाकू लगा है। ये कुछ दो चार लड़के हैं आपस में, मतलब कोई रंजिश वगैरह तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मोहल्ले में ही ऐसे मतलब दो तीन बच्चों का नाम ले रहे हैं, दो बच्चों के नाम जिनका उन्होंने मतलब सबके सामने ही मतलब नाम ले कि मेरे को इन्होंने मारा है। तो देखो ऐसे तो देखा जाए पुलिस अपने आप को अपना देखती क्या करती है यहाँ पे। हमने तो पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था, अब कर रहे हैं कार्रवाई। मैं चाहती हूँ जो भी कार्रवाई बनती इनके खिलाफ वो की जाए इन लड़कों के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें